हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। तो आज हम करने वाले हैं शुड, कुड और वुड। तो अगर आप लोग भी हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस या इंग्लिश इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज इससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक and share the video. Thank you. तो आज हम बात करने वाले हैं should, could और would के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। Alright, तो आपको should जो है वो हम ऐसे लेना है जैसे बहन है, और जो could और would है वो हम ऐसे लेंगे जैसे भाई है, ठीक है? तो शुड बहन इसलिए है क्योंकि शुड का मतलब होता है सलाह। जब भी आपको किसी को सलाह देनी है तो आप शुड यूज़ करते हो। यू शुड ईट मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, यू शुड नेवर लाई, राइट? तो जब भी आप सलाह देते हो तब आप शुड यूज़ करते हो। अब देखते हैं कि कुड और वुड का क्या मतलब है। तो जो कुड है वो बेसिकली कैन से आया है। आप ऐसा कह सकते हैं कुड जो है वो कैन का तमीज़दार भाई है, ऑलराइट? और जो वुड है वो आया है विल से, राइट? तो वुड जो है वो विल का तमीज़दार भाई है। तो कैन का क्या मतलब होता है? कैन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कर पाने की क्षमता, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, किसी भी चीज़ को कर पाने की क्षमता होता है कुड, राइट? और वुड होता है कि आपके पास क्षमता है बट क्या इच्छा है कोई चीज़ करने की, राइट? किसी भी चीज़ को करने की इच्छा। सो वुड का मतलब होता है इच्छा, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब इसका एक सेंटेंस के साथ इन तीनों का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑलराइट, तो जब आप शुड यूज़ करते हो जिसका मतलब होता है सलाह, तो आप बोलते हो यू शुड नॉट ड्रिंक एल्कोहल, राइट? तो ये आपने सलाह दी। अब कुड बोलते हैं जिसका मतलब होता है क्षमता, राइट? तो आप बोलते हो कुड यू प्लीज लिफ्ट दिस बैग फॉर मी। मान दो आप किसी से मदद मांग रहे हो और आप उससे बैग उठाने की, आपसे नहीं उठाया जा रहा है और आप उससे मदद मांग रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? कुड यू प्लीज़ लिफ्ट दिस बैग फॉर मी। मतलब आप उससे पूछ रहे हो कि क्या आप ये बैग उठा पाओगे, प्लीज़ मेरी मदद कर पाओगे, राइट? अब वुड देखते हैं, राइट? तो वुड का मुझे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे एप्ट एग्जाम्पल लगता है, आप बोलते हो वुड यू मैरी मी, ठीक है? या आप पूछते हो विल यू मैरी मी, राइट? क्योंकि देखो शादी क्या है, शादी तो कोई भी कर सकता है, राइट? शादी तो आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन शादी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप करना चाहते हो किसी से शादी, राइट? इच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप पूछते हो विल यू मैरी मी या वुड यू मैरी मी, ओके? वुड को याद करने के लिए आप एक विल पावर भी याद रख सकते हो, है ना? हम जब भी बोलते हैं कि नहीं यार विल पावर होनी चाहिए, राइट? तो इसका मतलब यही है कि इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो ये इनके मतलब हैं। आई होप आपको इन एग्जांपल्स के साथ समझ में आ गया हो। अब जो दूसरी चीज़ है इनमें याद करने वाली वो है ये कि ये जो होते हैं ये टेंसेस में, सारे के सारे टेंसेस में, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, टेंस में ये सेम होते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हम शुड को देते हैं, ठीक है? अब शुड को हम पास्ट में बोलेंगे यू शुड हैव डन दैट, ठीक हो गया? अब इसको प्रेजेंट में बोलेंगे यू शुड डू इट, ना? अब इसी चीज़ को हम फ्यूचर में बोलेंगे यू शुड डू इट टमोरो, ठीक है? फ्यूचर हो गया। तो आप इसको सारे टेंसेस में सेम तरीके से यूज़ कर सकते हो। द सेम इज़ विद कुड, है ना? आप ऐसे बोल सकते हो कि आई कुड Do it yesterday, ठीक है? अब यही चीज़ प्रेजेंट में आप बोल सकते हो I could do it, है ना? मैं कर सकता हूँ। और इसको फ्यूचर में बोल सकते हो I could do it tomorrow, ठीक है? मतलब मैं कल इसे कर पाऊँगा,
है ना, आज मेरे पास समय नहीं है, कल कर पाऊंगा, है ना। तो ऐसे आप बेसिकली तीनों टेंसेस में इनको यूज़ कर सकते हो और ये चेंज नहीं होते हैं, तीनों टेंसेस में सेम होते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो। शुड कुड वुड इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो आई होप आपकी अब ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई हो। सी यू ऑन द अदर साइड।